हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी तान्या। और कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी अभी नई शादी हुई है, तो उसने मुझसे कल एक रिक्वेस्ट की थी कि तान्या प्लीज़ मुझे एक सिंपल सी ब्रेकफास्ट रेसिपी बता दो जो मैं खाना बनाने के साथ सुबह इजीली मैनेज कर सकूं और सबको पसंद भी बहुत आए। तो ऐसा नई नई शादी में होता है ना कि थोड़ा सा प्रेशर होता है और थोड़ी टेंशन होती है कि नए लोगों में, नए माहौल में हम ऐसा क्या बनाएं जो सबको पसंद भी आए और टाइम से मेरा काम भी हो जाए। एक्चुअली उसके यहाँ पे भी सुबह सब लोग ऑफिस जाते हैं, तो 10 बजे तक उसको नाश्ता भी देना है, खाना भी देना है, सब कुछ देना है। तो मैं उससे शेयर कर रही थी, तो उससे शेयर करते करते मुझे एक आइडिया आया। मुझे लगा कि मैं उसको मुँह से बताऊँगी तो शायद इतना ईजिली लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो क्यों ना मुझे लगा कि मैं उसको एक वीडियो बना के दिखाती हूँ तो उसे हेल्प मिलेगी। फिर मुझे लगा कि उस जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो शादी से पहले कुकिंग में, यू नो, शादी से पहले क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो हम इतना एक्सपर्ट नहीं होते कुकिंग में, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं उन सबकी क्यों ना हेल्प करूँ। मेरी फ्रेंड की भी हेल्प होगी और आप उसके साथ साथ आप सबकी हेल्प हो जाएगी। जी हाँ, तो मुझे लगा कि चलिए सबकी ही हेल्प हो जाती है, और इसलिए मैं आज एक आपके साथ बहुत ही सिंपल और सिंपल सामानों के साथ में बनाने वाला एक पास्ता डिश बना रही हूँ पास्ता। तो आप उसको ट्राई कीजिए, देखिए और उसको ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और फिर मैं ऐसे ही सिंपल ब्रेकफास्ट जो खाने में भी ईजी हैं और हेल्दी हैं, साथ में उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऑयल वाला काम नहीं है, और बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती चलूंगी। तो चलिए दोस्तों, आप मेरी आगे वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी डिश। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या चाहिए आज पास्ता बनाने के लिए। और दोस्तों, मैं आज बहुत ही बेसिक और सिंपल से सामान के साथ में अपने पास्ता बनाऊंगी, बिल्कुल देसी अंदाज में। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए, तो ये मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज का, 2 छोटी छोटी शिमला मिर्च ली है, दोनों को मैंने रफली चॉप कर लिया है, और ये थोड़ा सा मैं मस्टर्ड सीड्स डालूंगी, ये ब्लैक पेपर है, ये सॉल्ट है, ये चिली फ्लेक्स हैं, और ये ऑर्गेनो है। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के मिलते हैं दोनों, तो आपको जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। और ये मैं डॉक्टर ओटकर का फन फूड्स पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस यूज़ करूँगी, और ये टमाटो सॉस, ये हॉट एंड चिली टमाटो सॉस है मैगी का, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आज यूज़ करूँगी, डॉक्टर ओटकर का फन फूड्स वेज मेयोनीज, ये बिल्कुल प्लेन मेयोनीज है तो मैं ये यूज़ करूँगी आज। और ये हमारे रहे पास्ता, जो कि मैंने पानी में बॉईल करके पहले से रखे हुए हैं। आप क्या करिएगा, पानी लीजिएगा सिंपल, और उसको, सबसे इम्पोर्टेंट टिप क्या है पास्ता को बॉईल करने के लिए, कि आप पहले पानी में अच्छा खासा बॉईल आ जाने दीजिए, जब बॉईल आ जाए तब आप उसमें सॉल्ट डालिए, ऑयल डालिए 2 चम्मच थोड़ा सा मतलब, और अपने पास्ता डाल दीजिए और आप इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। देखिए आप कितने ब्यूटीफुल बॉईल हुए हैं ना, बिल्कुल। आप अगर ये टिप फॉलो करेंगे ना तो आपके भी पास्ता ऐसे ही बॉईल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि मेरी गैस ऑन हो चुकी है और मैंने ऑयल यहाँ पे डाल दिया, और जो कि काफी अच्छे से हीट हो चुका है। तो मैं एक चीज आपको बताना भूल गई थी कि आप, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना हींग को भी यूज करूंगी, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, बस यहाँ में हींग डाल दी है मैंने। अब मैं यहाँ पे डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, हाफ टेबल स्पून लीजिएगा। देखिए अच्छे से क्रैकल हो गया ना। अब यहाँ पे मैं अपना ओनियन डाल दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे हमें सॉटे करना है।
हार्डली 1 मिनट तक आप इसको कुक होने दीजिए। हमको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है अपने प्याज को, बस लाइट ब्राउन होने देना है। हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा ओनियन हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपनी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च को भी ऐड कर देंगे और इसको भी अराउंड 30 सेकेंड तक आप इसको भी कर दीजिए फ्राई। शिमला मिर्च क्या होता है बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो हमें इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो वो वैसे ही कुक हो जाएगी। अगर हम इसको ज़्यादा टाइम देंगे ना तो हमारी शिमला मिर्च और जो प्याज है ना वो ओवर कुक हो जाएंगे। अब वैसे तो आप इसमें और भी सीजनल वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है, पर मैं कभी कभी यू नो सिंपल और एकदम इंडियन टच में भी पास्ता बनाती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में आज वो शेयर करूँ। ये देखिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे गैस हम अपनी थोड़ी सी स्लो कर देंगे। जी हाँ, तो अब देखिए ये जो मैंने पास्ता एंड पिज्ज़ा सॉस लिया था ना 2 टेबल स्पून अच्छे से भर भर के यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी। और ये देखिए मैंने इतनी सॉस ली है, कम से कम ये होगी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब, तो वो भी मैं इसमें यहीं पर ऐड कर दूँगी। और इसको थोड़ा सा हम लोग चला लेंगे। अब यहीं पे हमको अपनी काली मिर्च डालनी है। अब काली मिर्च का क्या है कि आप जैसा भी स्पाइस पसंद करें आप वैसा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगैनो हम ऐड करेंगे, अभी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ठीक है, चिली फ्लेक्स हम इतना ही डालेंगे क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ी देर कुक होने देते हैं हम लोग, जब तक हम अपनी मेयोनीज निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने मेयोनीज निकाल ली है, छोटा वाला बाउल है, लगभग आधे से ज्यादा है, तो आप भी इतनी ले लीजिए। और मैं आपको बताती हूँ ये कम से कम 6 से 7 टेबल स्पून मेयोनीज है, आप उसी अंदाजे से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मसाला कुक हो चुका है, अब यहीं पे हम अपनी मेयोनीज भी ऐड कर देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है और हमारी फ्लेम स्लो ही रहनी चाहिए। और अब हम यहाँ पे अपना पास्ता भी साथ में ऐड करते चाहिए। देखिए और यहाँ पे हम अपना सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप दोस्तों प्लीज देख के डालेगा, क्योंकि हमने बॉइलिंग में भी सॉल्ट अपना ऐड किया था, तो आप उसी अंदाज से डालिएगा। और जितने भी ये सॉसेज होते हैं ना इनमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है, तो आप अपने अंदाज से डालिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए तो फिर वो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। और अब इसको आप हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लीजिए, चलाते रहिए, तो ये थोड़ी देर में क्या होंगे सॉफ्ट हो जाएंगे और इनके अंदर में जितना भी ये जो मेयोनीज और सॉस का फ्लेवर है ना वो और मसालों का फ्लेवर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए लग रहे हैं ना यम्मी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मुझे क्या लग रहा है कि थोड़ा सा हमारा सॉस कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉस लगभग 1 टेबल स्पून सॉस ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून भर के पिज्जा सॉस और ऐड कर दूंगी, पास्ता एंड पिज्जा सॉस, बस दैट्स इट। देखिए इतने ब्यूटीफुल सिंपल एंड इजी, ये कोई भी बना सकता है। मैं ज्यादा ट्रिकी इसलिए नहीं अभी बता रही हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि हम डेली लाइफ में कभी कभी इतनी जल्दबाजी में होते हैं या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम यू नो व्हाइट सॉस प्रिपेयर करें या रेड सॉस प्रिपेयर करें और फिर हम बनाएं,
ये उस टाइम के लिए है कि हमारा नाश्ता इजीली बन सकता है और हम आराम से उसको सब सर्व कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ में ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हमें भूख भी लग रही थी। और स्पेशली जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं ना हॉस्टल वाले, वो भी इसको बना सकते हैं। आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये रेडीमेड आइटम्स अपने घर में रख, अपने रूम पे या अपने साथ में रखने हैं, बस बॉइल कीजिए, बना लीजिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। अब इसको आप थोड़ी देर तक हाई फ्लेम पे होने दीजिए ताकि ये अच्छे से पास्ता में सारे फ्लेवर आ जाए और पास्ता भी अच्छे से हमारा गर्म हो जाए। पास्ता देखिए कितने अच्छे से बॉईल हुआ है ना, और पास्ता खाने का मजा तो तभी आता है ये भी एकदम से अलग अलग खिला खिला हो। तो देखिए दोस्तों, बन चुका है मेरा पास्ता, लग रहा है ना यम्मी। मैं तो रेडी हूँ सर्व करने के लिए। आप भी फटाफट से बना लीजिए और सर्व कर लीजिए और खा के बताइए मुझको कैसा लगा। देखिए कितना सिंपल है ना, आई जस्ट कांट वेट टू ईट, ओ माई गॉड यम्मी। चलिए दोस्तों, अब आप बनाइए और मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।